अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ आसिफ और आप देख रहे हैं मिस्टर आसू जी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी दोस्तों के लिए कुछ न्यू लेकर आया हूँ। यह अमूमन उन सभी दोस्तों के लिए है जिनके घर में वाईफाई है, वाईफाई मॉडेम है, चाहे वो PDCL का इंटरनेट हो या वह 3 की फाइबर का नेट हो या फिर मल्टी नेट हो, कोई भी हो, किसी भी टाइप का नेटवर्क हो। तो अगर आप चाहते हो कि आपके उस मॉडेम के सिग्नल कितने फासले तक जा रहे हैं और आपके घर में आप एक बिल्डिंग में रहते हो या फिर एक क्वार्टर में रहते हो, तो वहीं पर जो मॉडेम लगा हुआ है वाईफाई का, उसके सिग्नल स्ट्रेंथ उस कोने में, दूसरे कमरे में, तीसरे कमरे में या फिर बिल्डिंग से ऊपर वाले फ्लोर में, थर्ड फ्लोर में, फोर्थ फ्लोर में, जो है उनके सिग्नल की स्ट्रेंथ जो है थर्ड फ्लोर पर कितनी आ रही है, नीचे कितनी जा रही है, भाई इतने फासले पर उस जगह पर अगर मैं जाऊं या फिर मैं उसकी छत पे जाता हूं बिल्डिंग की, तो वहां पर भी सिग्नल की स्ट्रेंथ कितनी आ रही है। जाहिर सी बात है, जहाँ पर सिग्नल की स्ट्रेंथ अच्छी होगी उस जगह पर जो है वाईफाई की स्पीड जो है वो बेटर आती है। तो आज मैं UBNT का एक सॉफ्टवेयर है, ये बिल्कुल फ्री है सभी यूज़र्स के लिए, आप उससे बहुत सारे फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। तो इस सॉफ्टवेयर के जो फीचर्स हैं बहुत ही ज़बरदस्त फीचर्स हैं, ऐसी ऐप आपको फ्री में कभी नहीं मिलेगी। तो इस ऐप को यूज़ करके आप जो है देख सकते हैं कि भाई आप तक, आपके मोबाइल तक, अगर आप मॉडेम से दूर हैं या फिर 100 मीटर की फासले पर हैं या 50 मीटर के फासले पर हैं, तो अगर आप मॉडेम से दूर हैं तो आपके पास आपके मॉडेम के सिग्नल की स्ट्रेंथ कितनी आ रही है, तो आप जितने फासले पर होंगे तो वहाँ पर आपको वो बताएगा कि भाई आपके पास इतने MBPS तक का डाटा आ सकता है। उसके फीचर्स जो है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो वो डिस्टेंस भी बताएगा कि इतने डिस्टेंस तक आप हैं और इतनी स्पीड आप तक आ रही है, सिग्नल इतने आ रहे हैं आपके पास। मज़े की बात यह है कि उसमें आप स्पीड टेस्ट भी कर सकते हो, सिर्फ टॉप सोशल मीडिया नेटवर्क्स के वो पिंग भी दिखाता है आपके नेटवर्क पे जो है वो कौन सी वेबसाइट बहुत फास्ट चलने वाली है, भी आप टेस्ट कर सकते हो। तो चलिए शुरू कर देती हैं, लेट्स स्टार्ट इट। जी हाँ, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं एक तरफ जो है कंप्यूटर स्क्रीन पर आप देख रही हैं, एक तरफ मेरे पास बुलेट M2 HP जो है उसके सिग्नल आ रहे हैं, दूसरी तरफ मैंने यू सर्वे के नेम से एक ऐप है UBNT की, तो वो मैंने इंस्टॉल किया हुआ है अपने मोबाइल पे और अब मैं उसको ओपन करने जा रहा हूँ। यहाँ पर ये नेटवर्क SSID आ रहा है किंग वाईफाई, तो उसके सिग्नल मैंने 75 dBm में आ रहे हैं और बेस्ट हैं। तो यहाँ पर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो ये सिग्नल मीटर जो है वो शो करेगा। इसमें आप देख सकती हैं यहाँ पर सिग्नल पुअर भी हो जाते हैं, बैड भी हो जाते हैं, ये अप डाउन हो रहे हैं क्योंकि ये 2.4 GHz के राउटर है, इसी वजह से ये सिग्नल अप डाउन हो रहे हैं। अगर 5 GHz का राउटर होता है तो ये अप डाउन नहीं होते और बिल्कुल सिग्नल जो है वो बेस्ट रहते हैं। तो ये देख रहे हैं इस वक्त सिक्योरिटी ओपन है, वाईफाई स्पीड 1 MBPS आ रही है, तो ये डिस्टेंस इसलिए बेटर नहीं बता रहा क्योंकि सिग्नल अप डाउन हो रहे हैं, इसीलिए डिस्टेंस बेटर नहीं बता रहा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो बेल का बटन है, अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर जो है आपको अलार्म भी सुनाई देगा। ओके, मैं अलार्म भी आपको सुनवाता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से कुछ होता है, तो ये बैड बता रहे हैं और बेस्ट भी हो जाते हैं, पुअर भी हो जाते हैं, 1 MBPS आ रहा है। तो ये डिस्टेंस क्यों स्लो बता रहा है, इसी वजह से बता रहा है, डिस्टेंस बहुत कम क्यों बता रहा है, क्योंकि सिग्नल बेस्ट नहीं है। तो यहाँ पर चैनल भी बता रहे हैं कि चैनल मैंने 10 पे रखे हुए हैं और लिमिटेड जो है ये मैक एड्रेस है बुलेट M2 HP का, 2.4 GHz की जो है ये SSID है। तो आप दूसरी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये डिस्टेंस है 300 मीटर का डिस्टेंस है और मैं 300 मीटर के फासले पर ठहरा हुआ हूँ, बुलेट M2 HP के सिग्नल मेरे पास इतने आ रहे हैं। तो इस तरह से कुछ होता है। तो मैं अब चलता हूँ यहाँ पर सेटिंग्स पे, बैक जाता हूँ, मैं यहाँ बैक क्लिक करता हूँ और यहाँ पर विशलेस के साथ जो मैंने वहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये वाईफाई चैनल आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर 2.4 GHz है और ये 5 GHz वालों के 5 GHz क्योंकि मेरा मोबाइल सपोर्ट नहीं करता, तो इसलिए 2.4 GHz जो है वो सिग्नल की स्ट्रेंथ बता रहे हैं। ये डिवाइस डिस्कवर है भी, जितने भी डिवाइस हैं यहाँ पर कनेक्टेड हैं, मोबाइल है, टू लैपटॉप भी हैं और भी बहुत कुछ जो है, जितनी भी डिवाइस हैं यहाँ पर लगी हुई हैं उनके तमाम मैक एड्रेस, उनके IPs आ रहे हैं, ठीक है। ये उनकी तमाम जो है वो हिस्ट्री बता रहे हैं। ओके,
तो इस तरह से भी आप चेक कर सकते हो, ये बुलेट M2 HBS एस पॉइंट पे लगी हुई है और लाइट बीम जो है वो भी एसएस पॉइंट पे और ये रिसीवर पे M5 जिसका जो है वो बता रहे हैं इस तरह से। तो यहाँ पर आप स्पीड टेस्ट कर सकते हैं, मुख्तलिफ चैनल के जो है वो वेबसाइट्स के बिंग भी दे रहे हैं यहाँ पर। तो आप यहाँ पर आप स्पीड टेस्ट करें, मेरे पास 1 Mbps का वो रेट्स आ रहा था, तो बिल्कुल लगभग 1 Mbps जो है वो उसका रेट्स थोड़ा सा अबव जा रहा है, तो सिग्नल स्ट्रेंथ के हिसाब से जो है वो इस तरह से मेरे पास जो है वो सिग्नल आ रहे हैं। तो ये सिग्नल इस तरह शो करें, आप जो है वो अपलोडिंग स्पीड जो है वो भी 1 Mbps से अबव, यानी कि सेम जो है वो अपलोडिंग स्पीड जो है आ रही है 1 Mbps के करीब तक, या फिर हाफ MBPS तक भी जो है मेरे पास अपलोडिंग स्पीड आ रही है। तो इस तरह से करके आप टेस्ट अगेन भी कर सकते हैं। अब मैं चलता हूँ बैक, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गूगल का पैंग जो कितना आ रहा है मेरे पास, फेसबुक पर इतनी स्पीड से जो है, ट्विटर जो है गेटवे 931 MS। तो इस तरह से जो ये पिंग शो कर रहे हैं वो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कंपनी लिमिटेड भावलपुर जो है ना, वो यहीं से मैंने जो है इंटरनेट लिया, स्पीड टेस्ट मैंने मुख्तलिफ किए हैं, वो भी मैं आप इस वक्त कंप्यूटर स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो ये वाईफाई चैनल हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं इतने सिग्नल की स्ट्रेंथ जो है वो मेरे पास इस वक्त जो है वो आ रही है। मैं दोबारा यहाँ पर क्लिक करके दिखाता हूँ डिवाइस डिस्कवरी, कौन कौन सी डिवाइस लगी हुई हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जी हाँ, तो फ्रेंड्स आपको वीडियो के नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाएं प्ले स्टोर पे यू सर्वे के नेम से ये ऐप जो है वो आप तलाश करें, आप प्ले स्टोर पे जाएं तो आपको ऐप जो है वो ईज़िली मिल जाएगी, आप इंस्टॉल कर लें और आप देख सकते हैं मुख्तलिफ फासले पर जाकर आप चेक कर सकते हैं कि आपके पास आपके वाईफाई मॉडेम के कितने सिग्नल आ रहे हैं। आई होप कि ये वीडियो आप सभी दोस्तों के लिए जरूर नॉलेज का बायस बनी होगी। मज़ीद इस तरह की टेक वीडियो हासिल करने के लिए मिस्टर आसू जी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अल्लाह हाफिज़।